ये रोड है, ये भी रोड है, पर लेकिन रोडे में गड्ढा है। ए, गिरे गिरे जल्दी गिरे। सलाम साथी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, में आपके साथ मोहम्मद परवेज आलम। तो आइए दिखाते हैं जो बिहार में विकास का गंगा किस तरह बहा रहा है। एक बूढ़े चाचा भी आ रहे हैं गाड़ी से, अभी उसको हम कुछ जानना चाहते हैं उनसे। तो जो विकास का जो नैया बह रहा है, जो ये फौजीगंज प्रखंड के जो औराही पूरब पंचायत है, वार्ड नंबर 12 में, आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीका से विकास का नैया बहा रहे हैं। तो आइए आज हम जानते हैं, आप जो गाड़ी से आए चाचा, कैसा लगा आपको ये रास्ता में? बोलने का लायक नहीं है, नहीं है आने का लायक, बहुत कठिन से आते हैं। तो अच्छा, ये रोड कब से खराब है यहाँ पे? दो साल से खराब है, लेकिन यहाँ पे आज तक कोई मतलब मुख्यमंत्री के द्वारा जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनके द्वारा विधायक जी को कहा गया है, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आइए, चाचा कह रहे हैं कि विधायक जी सुनने के ये नहीं है, कितना मरतबा कहा भी गया है जो विधायक जी नहीं सुनते हैं। तो देखिए, विकास का नैया इसी तरह बहा रहा है, जो यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी आज तक कुछ नहीं कह रहे हैं। ये लोग कैसे जी रहे हैं आज हम जानते हैं। और भी ग्रामीण मेरे साथ हैं। क्या भाई साहब, आप जो इस रोड पे चलते हैं तो कैसा लगता है आपको? बहुत बेकार लगता है, चलने का लायक नहीं है। अच्छा, रोड चलने के लायक नहीं है? बिल्कुल ही नहीं है, बहुत आने जाने वाले के लिए बहुत परेशानी होता है। अच्छा, ये जो रोड है ये मुख्यमंत्री के द्वारा है, ये कोई वार्ड सदस्य मुखिया के द्वारा नहीं है, तो क्या इसमें कभी आप लोग विधायक को या किसी को बोले हैं? अच्छा, कई बार बोला गया, एप्लीकेशन दिया गया, आदमी लोग साइन करके दिया। अच्छा, कुछ नहीं हुआ, 2-3 साल से ऐसा ही है। अच्छा, 2-3 साल से बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हमारे दो तीन आदमी गिरा है, हम लोग उठाए उसको। अच्छा, इस कादों में गिर जाता है? गिर जाता है, बिल्कुल गिरेगा, देख रहे हो आप कैसा रास्ता है। अच्छा, तो देखिए, जैसे बता रहे हैं, जैसे बिहार के जो मुख्यमंत्री है, मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आखिर आप जो बोले कि विकास में बाहर, मतलब बिहार में बाहर है, तो आज देखते हैं कि बिहार में कैसा बाहर है। आपको दिखा रहे हैं यहाँ का नजारा, जो पब्लिक है काफी संख्या में मेरे साथ है, जो उनसे भी जानना चाहते हैं हम कि आखिर बिहार में जो है कितने कठिन से आदमी चलते हैं इस रोड में, इस रास्ता में, लेकिन इनको देखने वाला कोई नहीं है। मैं मुख्यमंत्री से स्वयं कहना चाहता हूं अपना चैनल के माध्यम से, कि मुख्यमंत्री कुछ मेरा चैनल के माध्यम से वो देखें कि आखिर इस रास्ता में कैसे इंसान चलेंगे और कैसे ग्रामीण चलेंगे, जो कि इन रोड को जो है डायरेक्ट 4 लेन में मिलाया गया है, ताकि यहाँ के ग्रामीण नहीं, अदर गांव का भी ग्रामीण इस रोड से चलते हैं, जो 4 लेन में डायरेक्ट मिलाया गया है इस रोड को। आज देखा जाए तो इस रोड का बदहाली को देखकर यहाँ के कोई सांसद या प्रतिनिधि अभी तक नहीं पहुंचे हैं, या कोई सुधि लेने के लिए तैयार नहीं है कि इस रोड को कैसा मतलब देखा जाए, किस तरीका से इसको बनाया जाए। लेकिन आज देखिए, जो एक ढलैया का रोड बना हुआ है, मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि वो भी दिखाया जाए। जो एक सिमराहा जाने वाली सड़क है, इनको अच्छा मात्रा में जो है कि ऊंचा किया गया है। ये रोड है, ये भी रोड है, पर लेकिन रोडे में गड्ढा है। ये भी रोड है और ये रोड है, फिर रोड में ही गड्ढा है। अब देखा जाए, ग्रामीण है, जैसे एक ट्रैक्टर ड्राइवर है मेरे सामने में, उनसे भी जानेंगे क्या ट्रैक्टर लेके आप इसी रास्ता से गुजरते हैं, इसी रास्ता से, तो कैसा लगता है इसमें जाने में? जो गाड़ी वाला आता है उसमें गिर जाता है। अच्छा, गिर जाता है गाड़ी वाला भी, इसमें गिर जाता है।
तो चाचा आप आपका घर यहीं पे है? हाँ यही है, बगल में। बगल में है। तो ये कितना दूर तक मतलब बारह नंबर से नौ नंबर तक, बारह नंबर वार्ड से नौ नंबर तक। करीब करीब एक किलोमीटर मारिए यहाँ से घुमा के। एक किलोमीटर इसी तरह है? इसी तरह। अच्छा, तो अगर जो यात्री अगर आते हैं तो वो इसी तरह पैदल ही जाते हैं? पैदल जाते हैं कि कीचड़ खा के जाता है वो? अच्छा, कीचड़ खा के। कीचड़ में जब गिर जाता है वो टंडिया पलटनिया करके जाता है। अच्छा, पैंट पहन के, जो पैंट पहन के आता है उसको लुंगी बदलना पड़ता है। अच्छा, नहीं तो मेहमानी जो खाने वाला है तो उसका जय जय राम हो गया, उसका मेहमानी खत्म, जो पंडित का गया। अच्छा, वो वापिस तो दिखाते हैं जैसे कि करीब करीब बोले अभी कि एक किलोमीटर ना, एक किलोमीटर से ज्यादा मतलब रोड का बदहाली है। जैसे मेरे पास चचा भी हैं। चचा कैसा, आपका घर बगल में है? बिल्कुल सामने बगल में, दरवाजे पर हमको कैसे हम निकलते हैं पकाना पतक वो हम जानते हैं। अच्छा, आप लोग भी मतलब कहीं जाने के लिए सोचना पड़ता है आपको? हाँ, मुश्किल। लेकिन आज तक कोई शुद्धि मिलने के लिए नहीं आया? गिरे गिरे जल्दी गिरे। कहाँ से आ रहे हैं आप? लैन होटल। लैन होटल से। कैसा लगा इस रोड में आने से आपको? अरे रोड इतना खतरनाक है, ये रोड खराब। अच्छा, आपका घर कहाँ है? घर छतियोना। छतियोना, इसी रोड से जाते हैं? अच्छा, रोड से जाते हैं आते हैं। इसी रोड से जाते आते हैं। तो कैसा लग रहा है इस रोड पे चलने में? रोड तो बहुत खतरनाक है, देखिए ना कितना कीचड़ कितना मचा हुआ है। कहाँ से आ रहे हैं चाचा आप? हम तो अररिया से आ रहे हैं। अच्छा, आपका घर कहाँ है? घर यहीं बकरा पंचायत है। अच्छा, इस तरीका का इस रोड में कैसा बुझा रहा है आपको चलने में? बहुत हम लोग परेशानी आज 5 साल से उठा रहे हैं। अच्छा, 5 साल से उठा रहे हैं? 5 साल से उठा रहे हैं इसमें। लेकिन कोई सांसद विधायक अभी तक कोई नहीं जो है जिसका देखने वाला है? कोई नहीं है। ये गुजरात इलेक्शन में ये जो रमेश गिरा है, ये जो लोग उम्मीदवार था वही गिराया है इसमें। अच्छा, ये जो राविश गिराया गया है उम्मीदवार द्वारा गिराया गया है। अच्छा, तो आज तक रोड नहीं बना है? नहीं बना, जब एक शुरुआत का बना हुआ आज तक इसका कोई भी कभी रिपेयरिंग भी हम लोग नहीं देखे। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।